सात बाहुली का रास्ता बेलखंड से भी खतरनाक है। यहाँ कोरकू भी जाने से घबराते हैं। यहाँ पर हमेशा जानवर रहते हैं। यहाँ हमेशा 10-15 लोगों के साथ ग्रुप में ही जाएं। यहाँ जाते समय हमेशा खाने पीने की चीजें साथ लेकर जाएं। यहाँ पर रात में सोते समय आग जरूर जलाएं। यहाँ पिकनिक, मनोरंजन और मद्यपान करने के हेतु न जाएं। और इस वीडियो को देखकर यहाँ पर जाने की कोशिश ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रास्ता जो है बहुत खतरनाक है, बिल्कुल भी मत आना यहाँ पर। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं सात बाउली के लिए। तो रास्ता जो है वो बेलखंडा से ही फाटा है, यहाँ से बीच में से जाना होता है। ये छोटा सा रास्ता है पैदल वाला, तो जिनको पता है वही लोग आ सकते हैं। आप आने की ज़्यादा रिस्क मत लो क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे उतरना होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और फिर हम लोग आपके दर्शन करवाते हैं। तो थोड़ा आगे आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी जो है वो दो रास्ते, एक इधर से एक इधर से। तो जिनको रास्ता पता है उन्हीं के साथ में आओ, थोड़ा रास्ता जो है वो कन्फ्यूजिंग है। और उसी के साथ में रास्ता देख सकते हो आप लोग कितना मतलब डिफिकल्ट रास्ता है भाई। रास्ता बहुत डेंजरस है, रास्ता देख लो आप। आने की बिल्कुल भी भूल के भी गलती मत करो, गलती से भी नहीं आना है यहाँ पे। तो रास्ता आप लोग देख सकते हो बेलकंडा से भी छोटा सा रास्ता है, मतलब एक ही इंसान एक लाइन में जा सकता है, इतना छोटा रास्ता जो है यहाँ पर है। और अभी आप देख सकते हो मतलब रास्ता कितना सा है, मतलब थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधा जो है इंसान खाई में चले जाएगा। आप देख सकते हो बगल में जो है पूरी खाई है और हम लोग जो है एकदम छोटे से लाइन से जो है वो बिल्कुल किनारे से चल रहे हैं। तो यहाँ का रास्ता जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर आप जब भी आओ, जो पुराने भक्त है मतलब आ चुके हैं उन्हीं के साथ में आप लोग देख सकते हो कितना रिस्की है। बाजू में जो है वो खाई है। तो गाइस फाइनली बेलखंडा के रास्ते से दोगुना खतरनाक रास्ता जो है ये है। ये देखो यहाँ पे पेड़ गिरे है, रास्ता देखो, रास्ता जो है बहुत खतरनाक है, बिल्कुल भी मत आना यहाँ पर। अकेले तो भूल के भी मत आना वरना गुम हो जाओगे। रास्ता देखो ऐसे रास्तों से जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। भाई सात बाउली का रास्ता बहुत खतरनाक है, मत आना, भूल गए थे हम लोग, थक चुके चल चल के अभी। सो गाइज फाइनली हम लोगों ने स्टे करने के लिए ये वाली लोकेशन फाइनल की है। आप लोग देख सकते हो पहाड़ों के नीचे आज हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे और कल माता के दर्शन के लिए सुबह मॉर्निंग में उठ के हम लोग निकलेंगे सात बाउली पे। तो आपको दर्शन भी करवाएंगे और आज की लोकेशन ये है यहाँ पे। अभी हम बिस्तरा लगवाएंगे, अभी टाइम हो रहा है, 4 बज चुके हैं। ज़्यादा अंधेरे में जाना खतरनाक हो सकता है और फिर वापसी को भी टाइम हो जाएगा। तो कल सुबह मॉर्निंग में दर्शन करेंगे और फिर हम लोग वापसी के लिए निकल जाएंगे। तो आपके भी दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दो और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो भाई यहाँ पे अभी साफ सफाई करेंगे, बिस्तरा डालेंगे और यहाँ पर सोएंगे क्योंकि भाई पैरों ने जवाब दे दिया है। और लोकेशन पहाड़ के ठीक नीचे, सामने घना जंगल, इस तरह की लोकेशन है। तो हम लोगों ने हमारी लोकेशन चेंज कर दी है, वो लोग यहाँ सोएंगे और हम लोग इस साइड में सोएंगे। हरियर। और कल फिर जाएंगे दर्शन के लिए। तो आज की जो रात है वो बेलखंडा के जंगलों में, माता रानी के जंगलों में होने वाली है। आज यहीं पे रुकेंगे हम लोग, यहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ चल रही है। वहाँ पे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी लाना स्टार्ट कर दिया है भक्तों ने।
तो यहाँ पे रात भर आग जलेगी क्योंकि यहाँ पर जानवरों का खतरा है, यहाँ पे जानवर कभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए रात भर यहाँ पर आग जलेगी। और देखते हैं कुछ साउंड वगैरह हमको सुनने को मिलते हैं जानवरों के, या क्या एक अलग एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। एक तरह से हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, और खाने की व्यवस्था ये है कि जो हम लोगों ने नाश्ता लाया था चिवड़ा वगैरह वही हम लोग खाएंगे, और यहाँ पर रात भर रुकेंगे, सुबह माता रानी के सात बावली के दर्शन करेंगे, और फिर हम लोग निकलेंगे बाहर के लिए वापस काजड़ी के लिए। तो देखते हैं रात में क्या कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। रात का भी एक वीडियो मैं 9-10 बजे का थोड़ा सा शूट करूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरह से पूरी की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और देखते रहो। तो आप लोग देख सकते हो भक्तों ने जो है वो आग जला दी है, और ये कुछ भगत है बैतूल के जिन्होंने अपने साथ खाना के सामग्री गंजी वगैरह लेके आई है, तो ये लोग यहाँ पर खाना जो है वो बनाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर हम पहाड़ी के अंदर भैया के साथ में पूजा कर रहे हैं। भैया यहाँ पे हर साल आते हैं, पिछले 15 सालों से भैया जो यहाँ पे आ रहे हैं, हर साल बेलकंडा जाते हैं, वहाँ से फिर माता रानी की यहाँ पूजा होती है, और फिर सवेरे हम लोग दर्शन करेंगे माता रानी के। तो पूजा आप लोग देख सकते हो इस तरह से सारी पूजा रखी है। कुछ कुछ वीडियोज़ है जो मैं नहीं डाल सकता, या फिर पूजा किस तरह से रखी वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी पूजा का ओवरऑल ये व्यू है। अभी यहाँ पे हवन होगा, हम लोग हवन करेंगे। पहाड़ी के अंदर हवन करना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि लोग यहाँ पे यात्रा करने आते हैं, पूजा पहाड़ी के अंदर पूजा करना यानी बहुत बड़ी बात है। और हमको ये मौका मिला तो भैया को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि भैया ने इतना अच्छा मौका हमको दिया कि हम आज यहाँ पहाड़ी के अंदर बेलखंडा के अंदर माता रानी के चरणों के पास, मतलब माता रानी के दरबार के पास हम लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। भैया के बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं। तो आप लोग भी देख लो पूजा का ये ओवरऑल व्यू है। तो हवन ख़त्म होने के बाद अब हम लोग करेंगे आरती और खाना खाएंगे और फिर आराम करेंगे। वही रात के बज रहे 2:30 और सारे भक्त यहाँ पर सोए हुए हैं, सबके सब यहाँ सोए हुए हैं, ये साइड में भी। और जो बहुत बड़ा ग्रुप आया है उन लोगों ने खाने का सामान लाए थे, ये उनकी गंजी वगैरह है, और ये इधर से जंगल का रास्ता है। भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अलग ही मज़ा आ रहा है कैंपिंग का। दो 50 हो गए हैं भाई, नेचर में रहना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यह है सुबह के 6 बजे का व्यू। कुछ लोग जाग चुके हैं, कुछ लोग अभी भी सोए हैं। अभी हम लोग उनको उठाएंगे और फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे माता के दर्शन के लिए। तो फाइनली गाइस अभी टाइम हो रहा है, 7 बज चुके हैं, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। हमारा सारा बोरिया बिस्तरा है और पीछे में जो है बहुत सारे लोग हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे 7 बावली के लिए। देखो 7 घाघरी अलग है और 7 बावली अलग है। रात को हम लोग यहाँ रुके थे, मैंने रात वाला भी आपको दिखा दिया, 3 बजे के करीब हम लोग उठ चुके थे, मतलब उठ गए थे, अलग से आवाज़ आ रही थी तो उठ चुके थे, लेकिन फिर वो शूट नहीं हो पाया, कुछ दिखा नहीं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हम रुके थे, अभी काफ़ी लोग हैं, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं 7 बावली के लिए। तो चलते हैं और माता के दर्शन करवाते हैं।
चलो चलते सात बाहुली के लिए निकलते हैं, तैयारी हो चुकी है, निकलते चलो। तो रास्ता जो है वो बेलखंडा से भी खतरनाक है, आप लोग देख सकते हो एकदम छोटा सा रास्ता है और यहीं से होके हम लोगों को अभी आगे भी जाना है। तो रास्ते में पहाड़ चलते हुए भैया ने जो है हमें शेर की गुफा भी दिखाई, वो भी आप लोगों को आगे दिख जाएगी और वहाँ पर जो है वो शेर के पंजे के निशान भी है। कोई एक आगे गुफा है, ये ज़्यादा गुफा है, ये अच्छा अभी शेर रहते निकले। हाँ निकल गया और क्या, निकल गया रात में रहते और क्या, ये दोस्तों ये देखो ये शेर की गुफा है, यहाँ पे इसके पंजे देख सकते हो। तो इसी पहाड़ी पर जो है कुछ कलाकृति हमें देखने को मिली जो भैया ने हमको बताया कि दिवाली के टाइम में जो है यहाँ पर ये अपने आप बनती है, आप लोग देख सकते हो क्योंकि इतने घने जंगल में कोई इंसान आके यहाँ पर ये बनाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग देख सकते हो किसी के हाथ में शस्त्र है, किसी के हाथ में बाण है और ये सिर्फ नीचे ही नहीं है तो ऊपर तक के पहाड़ी पर भी जो है छोटे छोटे जो है वो बने हैं। अब ये किस तरह से बने हैं, ये क्या अलौकिक शक्ति है, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन जो देखने में मज़ा आ रही थी वो सोचने वाले भी बात थी कि ये किसने बनाए होंगे और किस तरह से बनाए होंगे यहाँ पर आकर। तो ये सब नेचुरल बना हुआ है ऐसा भैया का कहना था। भाई रास्ता जो है बहुत खतरनाक है सात बावली का, यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए, देखो रास्ता इस तरह से। ये देखो अम्मा उतर रही है, ये भी ले अम्मा भूल गए अपन, ये भी ले भाव अम्मा रास्ता भूल गए, दो रास्ते यहाँ पर, इधर भी जा रास्ता उधर भी रास्ता है, ये रास्ता जे जे जे। तो फाइनली हम लोग भी जो है वो थोड़ा सा रास्ता भूल चुके थे लेकिन हम लोग फिर से वो वापस ऊपर आए और ऊपर से फिर हम लोगों ने जो है वो सही रास्ता फिर से पकड़ लिया। तो फाइनली हम लोग जो है माता रानी के मंदिर में पहुंच चुके, आप लोग देख सकते हो ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे थोड़ा पानी वानी डाल के हम लोग इसको थोड़ा धोएंगे और बाजू में ही जो है वो सात बावली की जो है आप लोग देख सकते हो झरना, यहाँ पर सात बावली का मौजूद है। तो पहले हम लोग जो है सात बावली के झरने में नहाएंगे, उसके बाद में फिर जो है पूजा पाठ करेंगे। तो नहाने के बाद अब हम लोग करेंगे माता जी का श्रृंगार, माता जी को सजाएंगे, जो भी चीज़ें भैया जो साथ में लाए हैं उसी के साथ में माता जी का श्रृंगार होगा। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये है झरने के ऊपर का व्यू, मतलब सात जगहों से जो है ऊपर से पानी गिरते हुए नीचे आता है जहाँ पर हम लोग अभी नहाए, तो इसलिए इसको मतलब सात बावली के नाम से भी जाना जाता है। मतलब छोटी छोटी जो है वो बावलियाँ बनी है, मतलब छोटे छोटे जगहों से जो है सात बार पानी नीचे गिरता है। तो फाइनली गाइज हम लोग जो है सात बावली में पहुँच चुके हैं, यही माता का मंदिर है
तो यहाँ पे आने को हमको कम से कम 2 घंटे लगे, ऊपर से हम सवेरे निकले थे, 2 घंटे हमको यहाँ पर आने के लिए लगे। और यहाँ की क्या कहानी है वो अभी भैया हमको बताएंगे, क्योंकि हम भैया के साथ में आए, बेलखंडा भी भैया के साथ में गए थे, तो भैया जो है हमको सब बताते आ रहे कि ये मतलब ये सात बावली है, यहाँ का क्या वैशिष्ट है, क्या विशेषता है, वो भैया से हम लोग जानेंगे। तो भैया बताओ। जय माता की। हाँ तो भाई साहब आप देख रहे हैं, ये माता जी का दरबार है। हाँ। ये पातालपुरी में है। हाँ। बेलखंड वाले दादा और बूढ़ी दाई और साथ में उनकी बहू है। हाँ। ये सात बावली के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ। और 64 योगिनी के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ। और ये ढाके बंगाले की देवी कलकत्ता वाली काली के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ। और यहाँ का रास्ता जो बहुत बियाबान रास्ता है, और यहाँ पर जो भी आए कोई अपने भक्त को साथ में लेके आए। हाँ। और वरना अकेला बिल्कुल मत आना। हाँ। क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट जगह है, जानवरों का पहरा है। हाँ। और यहाँ पर शेर बाबा यहाँ पर घूमते रहते हैं, सिंह यहाँ पर बैठता है मातेश्वरी के दरबार में। और यहाँ पर विदेशता है, एक भौर माता के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कालका माता जो प्रकट हैं। और यहाँ पर अनेक प्रकार के माई देवता भी हैं। यहाँ परिवार बेलखंडार वाले दादा और उनका बलकुआ लड़का है, और उनकी मिसेस है बेला रानी, जिसका असली नाम है बेला रानी के नाम से जागृत है। यह अदृश्य में ये किसी को जानकारी नहीं है, आज तक नहीं हुई, लेकिन आदिशक्ति भवानी ये मुआसी कुल में भगवान भोलेनाथ ने अवतार लिया, और माता ने मुआसी कुल में ये माता ने काजला के नाम से प्रकट हुई हैं। और इनकी जो भी नागर बेला है, जो यहाँ से निशानगढ़ है, सात बावली है, यहाँ से सात गागर से भी जाने जाते हैं। और फिर आगे के जानकारी फिर आपको आगे बताएंगे। तो ये है ओवरऑल सात बावली माता के मंदिर, ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ के अभी हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिए, आरती वगैरह कर ली, और बाजू में जो है वो झरना है, झरने के हम लोग अलग से क्लिप में डाल दूंगा तो आपको वो भी दिख जाएगा। तो अभी इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर आगे के आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो एक नमन गिरजा पार्वती हर बोला हर महादेव, बोलो बेला रानी की जय, बेलखंड वाले दादा की जय, दाई की जय, बलकुंवर दादा की जय। एक नमन गोरा पार्वती हर बोला हर महादेव। तो माता रानी के दर्शन होने के बाद हम लोग अभी काजड़ी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो रास्ता ढूंढने कुछ लोग आगे गए हैं। यहाँ के जंगलों में रास्ता बहुत खतरनाक है। आप लोग हमेशा जब भी आओ यहाँ पर, अगर आ रहे हो सात बावली में, तो जिनको पता है जो 2-4 साल पहले से आ रहे हैं उन्हीं के साथ आओ, वरना आओ मत, बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि हम भी थोड़े टाइम पहले अलग रास्ते से चले गए थे, फिर वापस आना पड़ा था, और अभी भी रास्ता देखने के लिए कुछ लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे काजड़ी के लिए, और फिर काजड़ी में जाने के बाद आपको आगे की क्या अपडेट है वो फिर बताएंगे। तो चलो चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जंगल जो है काफ़ी घना जंगल है, और यहीं से हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग जिस रास्ते से आए थे बेलखंडा की तरफ से, उस रास्ते से अभी नहीं जा रहे। यहाँ पर जो बोरी गांव पहले था, उस वाले रास्ते से हम लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो रास्ता जो है वो एक जैसा ही है, आप लोग देख सकते हो। और अभी आएगी बोरी की जो फॉरेस्ट की जो चौकी है वो आएंगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। और इधर से जो है वो काफ़ी शॉर्टकट है, मतलब अगर ऊपर से गए रहते तो हमको एक दिन और लगा रहता। तो इधर से ही हम लोग अभी काजड़ी के लिए निकलेंगे। तो आप लोग देख सकते हो आगे में जो राइट साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रही होंगी, वो जो है वही है बोरी के फॉरेस्ट की चौकी। और ये इधर ही पहले बोरी गांव था, अभी फॉरेस्ट वालों ने उठा दिया। और ये जिप्सी वालों का रास्ता है फॉरेस्ट वालों का। अब इसी रास्ते के साथ हम लोग जाएंगे काजड़ी की तरफ। जय माता की। अब देख रहे हैं हमारे पूरे भक्त माता रानी की यात्रा करते हुए, ये बियाबान जंगल से निकलते हुए हम लोग ने यहाँ पर हमारे भक्तों ने हमको हमारे लिए ये नमकीन खिलाया। और सबको नागपुर वाले भाई ये सब बैठे हैं, हमारे बैतूल वाले भाई भी बैठे हैं, और माता रानी सबके यहाँ नाश्ता कर रहे हैं जंगल से। और अभी फिर आगे बढ़ेंगे और काजड़ी के लिए। सो फाइनली गाइज, हम लोग घने रास्ते से गुजरते हुए, जंगलों से गुजरते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट वालों की झोपड़ी आप लोग देख सकते हो। तो रास्ता जो है बहुत डेंजरस रास्ता है, और हमारा वीडियो देख के तो बिल्कुल भी आने की कोशिश ना करें कि वीडियो देख के हम लोग बेलखंडा चले जाएंगे या सात बावली चले जाएंगे। इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। और ये सारे भक्त कुछ बैतूल के भक्त लोग हैं, कुछ छिंदवाड़ा के हैं,
और भैया तो हमारे साथ में है, जो भैया हमको बताते आ रहे हैं कि मतलब कहाँ भगत कहाँ क्या हुआ था, ये सारी चीजें भैया हमको बताते हुए चल रहे हैं। तो अभी हाँ सुखराम भैया हमारे साथ में ही है, तो अभी हम लोग निकल रहे काजड़ी के लिए। अभी काजड़ी में चलते हैं, फिर देखते वहां से क्या होता है। तो फाइनली गाइज हम लोग जो है बेलखंडा और माता रानी के सात बावली के दर्शन करके अभी 4 बजे हम लोग सुबह 7 बजे के करीब सुबह सुबह निकले थे, 4 बजे यहाँ पे पहुँच गए। तो तकरीबन 9-10 घंटे आज भी हम लोग चले, कल भी निशानगढ़ के लिए चले थे, तो चलाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और भैया ने हमारे बहुत अच्छे दर्शन करवाए, और साथ में भैया के हाथों से ऊपर बेलखंड बाबा का जो है वो मंदिर भी स्थापित हुआ है वहाँ पर, मतलब सहयोग किए भैया ने भी वहाँ पर स्थापना करने में, वो तो आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो इसी के साथ अभी यहाँ से हम लोग काजड़ी में जाएंगे और फिर आगे की क्या रणनीति है वो तय करेंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि रात में पद्मशेष के दर्शन कर ले, क्योंकि पद्मशेष में ज़्यादा भीड़ होती है। तो रात में दर्शन करके फिर आगे पश्चिम द्वार वगैरह में कहीं रुकेंगे। तो ये वीडियो तो यहीं तक के रहेगा, और भैया का बहुत बहुत शुक्रिया कि भैया ने हमको इतना अच्छा मतलब सारी चीज़ें समझा के बताई, और साथ में मेन बात कि पहाड़ी के अंदर हमको हवन करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो पहाड़ी के अंदर हवन वगैरह करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो में तो दिख ही चुका होगा कि रात में हम लोगों ने वहाँ पे हवन वगैरह की, पूजा वगैरह की, सारी पूजा वगैरह विधि के साथ में हम लोग गए। तो हम लोग इसी तरह से जाते हैं, आप लोग भी यहाँ पर मजाक या चकल्लस के हिसाब से मनोरंजन के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए। अगर आप में श्रद्धा है और भक्ति है तभी आए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रास्ता भी भटक गए या फिर आप मतलब ड्रिंक के हिसाब से आ रहे हो या पार्टी के हिसाब से आ रहे हो, तो फिर उसके परिणाम आपको उस तरह से मिलेंगे कि आप फिर सोच भी नहीं सकते। क्यों भैया, बराबर है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से बेलखंडा दादा की पूरी यात्रा और बावली वाली माता की यात्रा करके अब यहाँ गेट वाले दादा हैं, जो गेट और गेटनी जो बाबा के रखवाली में बैठे हैं। अब जो भी श्रद्धालु अगर यहाँ पर अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो यहाँ से भी पूजा कर सकते हैं, यहाँ से भी स्वीकार हो सकती है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप शीष महाराज के जो भी भक्तों ने यहाँ चढ़ा गए हैं, और यहाँ से ये झूला डाल गए हैं, और ये भगत हम लोग सब लोग आज यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पर खेड़ापति मातेश्वरी यहाँ का है, उनको नमन करते हुए काजड़ी वाली माता का जो खेड़ापति है वो उनको नमन तो करते हुए। इसी को बेलखंडा की पहली पायरी भी कहा जाता है, कि जो लोग बेलखंडा नहीं जा सकते हैं तो वो लोग यहाँ पर भी कापूर अगरबत्ती लगा के पूजा करते हैं, यहाँ से वापस हो जाते हैं। तो ये बेलखंडा की पहली पायरी भी के नाम से जाना जाता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो, ये वीडियो यहीं पर एंड करेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में आएगा, एक बेलखंडा वाला वीडियो अलग आएगा और सात बावली वाला वीडियो अलग आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे मेरे को मालूम है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भैया का बहुत बहुत शुक्रिया कि भैया ने सारी चीज़ें हमको समझा के बताई। और आगे भी भैया के साथ ही में हम लोग पूरी यात्रा करेंगे और फिर पचमढ़ी के लिए निकलेंगे, तो आगे वाले भी वीडियो आते रहेंगे। तो एक नमन गिरदा पार्वती हर बड़ा बोल बेलखंडा वाले दादा की जय।